स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी में हो रही है नियति और युवान की सगाई, और इस सगाई में जहां सभी के चेहरे पे खुशियां हैं, तो वहीं हो गई है ट्विस्ट की एंट्री भी। पहला ट्विस्ट है युवान की अनोखी कविता। भाई भोला भाला युवान क्या जाने कि वो भरी महफिल में नियति का मजाक उड़ा रहा है। उसे तो जैसा बोला गया वो वैसे ही कविता सुना रहा है। जरा देखिए युवान की ये अनोखी कविता, जहाँ पर वो नियति की बुराइयां कर रहा है। सांग जैसी प्यारी नियति, सांग जैसा चेहरा नियति का, है ना? सांग जैसा चेहरा नियति का, जो देखे उसकी आंखों में बस जाए। सांग जैसा चेहरा नियति का। युवान की ये कविता सुनकर सभी लोग हंसी रहे होते हैं कि मालिनी को आ जाता है गुस्सा और वो युवान पर भड़कने लगती है। तभी युवान सभी को बताता है कि ये उसने नहीं बल्कि ऐसा कहने के लिए उसे चांदनी ने कहा था। सगाई में दूसरा ट्विस्ट तब आता है जब खो जाती है युवान और नियति की सगाई की अंगूठी। अंगूठी के खोते ही सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। युवान के पापा को युवान पर शक होता है कि कहीं युवान ने तो वो अंगूठी नहीं छुपाई। बेटा वो अंगूठी तुमने तो नहीं छुपाई। नहीं नहीं पापा, युवान ने नहीं छुपाई सच्ची। ये देखिए पक्का पापा। तो युवान अपनी खाली जेबें दिखाकर उनका शक दूर करता है और साथ ही पूरा परिवार इधर उधर देखने लगता है अंगूठी को ढूंढने के लिए। भाई अंगूठी चाहे किसी से भी गुम हुई हो, लेकिन इसकी चोरी का इल्जाम बन्नी के सर लगने वाला है। काश मेरा हाथ होता पर नहीं, बन्नी ऐसा नहीं चाहेगी। बन्नी ने नियति को युवान के लिए एक्सेप्ट कर लिया और वो चाहती है दिल से कि नियति और युवान की सगाई हो, क्योंकि युवान को एक अच्छा हमसफर मिला। बन्नी तो उसकी दोस्त है, वो थोड़ी हमेशा उसके लिए आ सकती है। वो तो उसे खाना खिलाती है और उसे दोस्त मानती है। पर एक वाइफ जो एक जीवन संगनी होती है, तो बहुत ही अलग बात होती है। तो वो चाहती है कि नियति जो उसे शादी करना चाहती है शादी करे, और धीरे धीरे बन्नी जो है वो जगह खाली करती है वो दोस्ती की और सब कुछ। तो इमोशनल मोमेंट भी है इसके लिए, पर वो अपने दोस्त युवान के लिए भी सगाई में आई हैं। उसने तो उसके लिए बहुत प्यारी प्यारी खीर मालपुआ और सब्जियां बना के रखी है। प्यार बहुत बड़ा शब्द है कि नहीं, और पता नहीं युवान, देखो प्यार जो है ना, एक्चुअली युवान और बन्नी के बीच में जो बहुत ही प्योर है, और शुरुआत तो अब तक सिर्फ दोस्ती से हुई है, वैसे ही होना चाहिए। एक दूसरे से वो इसलिए अटैच्ड हैं क्योंकि दोनों के पास माँ नहीं है। बन्नी युवान के थ्रू अपना बचपन जीती है, और युवान बन्नी के थ्रू अपने वो माँ की ममता पाता है, या वो दुलार लाड दुलार पाता है जो उससे हमेशा ज़रूरत थी ठीक होने के लिए, खुश रहने के लिए, उसे कोई समझने वाला। तो इस तरह की इनकी इतनी प्यारी दोस्ती है। बाकी तो किस रूप में जाएगा ये हमें भी नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता, और मुझे यहाँ भागना पड़ा।